सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के मन में एक प्रश्न हमेशा आता है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाए या राजभाषा माना जाए। राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा का तात्पर्य है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के 9 राज्य, ध्यान से सुनिएगा, भारत के 9 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान, इन 9 राज्यों के अलावा किसी और राज्य की जनता हिंदी भाषा का प्रयोग आम बोलचाल के रूप में नहीं करती। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो राष्ट्र का मतलब है राष्ट्र के अंतर्गत तो सारे राज्य आ जाते हैं। अगर सारे राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा तो किस आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं? भावनात्मक रूप से मैं और आप हम सब चाहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने, लेकिन संविधान का अनुच्छेद नंबर 343 आर्टिकल 343 यह कहता है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा का तात्पर्य है कि सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, ना कि आम जन की भाषा। इसलिए आप इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि हिंदी केवल और केवल सपनों में हमारे लिए राष्ट्रभाषा है, लेकिन वास्तविकता में आज हिंदी की स्थिति राजभाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं।